हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं आपके लिए आज एक नया व्लॉग बनाने जा रही हूँ, जिसमें मैं आपको मैं आज ट्यूबवेल जा रही हूँ, यानी अपने खेत जा रही हूँ। वो मैं आपको आज दिखाऊंगी और आपको सारा ट्यूबवेल घुमाऊंगी भी कि कैसा है मेरे यहाँ। आई होप आपको अच्छा भी लगेगा वहाँ पे घूम के। आप घूम तो नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाऊंगी, तो आपको जो ग्रीनरी है वहाँ पे आपको देख के बहुत ही अच्छा लगने वाला है। और इस टाइम पे आम भी आ गए हैं, अब आई होप होंगे। मैं अभी वहाँ पे गई नहीं हूँ, लेकिन फिर भी होने चाहिए क्योंकि आम का सीजन है, तो आम तो होंगे ही। तो चलिए मैं भी तैयार हो जाती हूँ। आज मेरी मम्मी मासी सब लोग जा रहे हैं, तो मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। ओके, हाय। तो मैं तैयार हो चुकी हूँ और मेरी राम प्यारी भी तैयार हो गई है, और मैं अब जा रही हूँ। मम्मी बस आने ही वाली हैं, सो हम लोग निकल रहे हैं। बाय स्कूटी जा रहे हैं, सो मौसी जा नहीं रही हैं, मम्मी और मैं ही जा रही हूँ। सो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। माता रानी आ रही हैं। छोटू हाँ उठता है तुम्हारे, पता नहीं बना तो चलिए। ले अब कहाँ छुट्टी हो गई, इधर से नहीं चौराहे साइड से सीधा तो करो। छोटू आ रहा है, इनवाइट है। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं ट्यूबवेल, और आप देख सकते हैं मैंने स्कूटी खड़ी कर दी है, और उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। एक्चुअली कल आंधी आई हुई थी, तो उसके चक्कर में ये पेड़ टूट गया है, और बाकी चलते हैं। ये मेरी राम प्यारी खड़ी हुई है, बाकी ये गन्ने का खेत है, आप लोग देख सकते हैं। और वो उधर मेरे आम का पेड़ खड़ा हुआ है, इसमें अभी इस साल आम आए नहीं हुए हैं। और बाकी ये गेहूं के खेत है जो अभी तक कट चुके हैं फाइनली, और गेहूं भी घर पहुंच गए हैं। बाकी आप लोग ग्रीनरी देख सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है। बाकी मुझे भी यहाँ पे आकर बहुत अच्छा लगता है। आई होप आपको भी अच्छा लग रहा होगा।
आप लोगों ने अगर नील गाय नहीं देखी तो मैं आपको दिखाती हूँ जूम करके। वो देखिए खड़ी हुई है नील गाय। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें आप ही बताइए, हम क्या करें। मेरे यहाँ आम का बगीचा है और काफी सारे कटहल के पेड़ भी लगे हुए हैं। मम्मी मेरी आम देखने में लगी हैं। है मम्मी अमिया? ये कटहल का पेड़ है, उसमें है ना अमिया, एक ही पेड़ में है लग रहा। ये वाला पेड़ एक नहीं, इसमें आप लोग देख सकते हैं इसमें अमियां आई हुई हैं। आम कितने सारे लगे हुए हैं, ओह माय गॉड, लेकिन अभी छोटी हैं एक्चुअली, अब कुछ दिन बाद बड़ी हो जाएंगी। तो कैसा लग रहा है आपको? आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। पूरी ग्रीनरी है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं ये आम का पेड़ है, लेकिन एक्चुअली इस बार इसमें आम नहीं आए, बहुत ही कम आम आए हुए हैं। देखिए ये वाले पड़ाव आम ये हैं। अमरूद का पेड़, पपीता, अम्मा ऊखे कहाँ लेके जाती है? कहाँ? ओ घर सिरका बना। हाँ अपने एक ही होंगे। जाओ मिलाती फिर है ना, आई लेना वाला। ये साल कौन है? बस तू ही प्याण फरे हैं। ये वाला फरा है ये एक ही तीज उन हौदे के लगे है और बाकी उचगा जो ने वा बस। हाँ बुरी है खानी करने मुश्किल, अगर निकली तो पता नहीं। छत्ता मम्मी, छत्ता मनमाखी का, वो देखो लगा है।
अब पता नहीं मम्मी कैडा है कि मनमाखी का है, पता नहीं। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। मैं आपको और भी दिखाती हूँ, ये सारे खेत हैं हमारे ही हैं और ये बगीचा है आम का। इस बार बिल्कुल भी आम नहीं आए हुए हैं। एक्चुअली मुझे आम बहुत पसंद है लेकिन इस बार बिल्कुल भी आम आए नहीं हुए हैं। लेकिन मैं भी एक्चुअली ऐसा होता है ना कि एक साल आते हैं और एक साल नहीं आते हैं। सो पिछली बार आए थे और इस बार नहीं आए हैं। मुझे एक अमिया दिखी है, थक गई। मुझे एक अमिया मिली है, खाना चाहेंगे आप लोग? एक्चुअली मैं दिखाती हूँ कि यहाँ पर ट्यूबवेल होते कैसे हैं। देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, फिलहाल तो अभी लाइट आ नहीं रही इसकी वजह से यहाँ पर गंदा पड़ा हुआ है, लेकिन वहाँ से पानी आता है और इसके बाद यहाँ पे आके हम लोगों ने इस पर बहुत नहाया है। एक्चुअली जब पानी आता है तो उसके बाद मज़ा बहुत आता है यहाँ पे। आप लोगों में से जिसने भी गांव के ट्यूबवेल पे नहाया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताएं कि आपने क्या बचपन में ऐसा किया है। अगर आपने किया है तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। ये वाला हाँ, और ये दू ना उठाइए, ये हाँ एक ही आए बगल वाला बस टायर कितने सारे कटहल कटहल कटहल। हाँ मम्मी बनाने लायक तो हैं मेरे हैं। बहुत सारे कटहल लगे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। सो फाइनली फ्रेंड्स, हम लोग ट्यूबवेल से आ चुके हैं और फिलहाल आपको मेरा पूरा वीडियो जो मैंने खेतों का दिखाया, पेड़ वगैरह दिखाए, जो भी ग्रीनरी मैंने आपको दिखाई, आपको मज़ा आया या नहीं आप कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। मुझे आपकी कमेंट्स का भी सप्री से इंतज़ार रहेगा। सो प्लीज़ तब तक के लिए बाय बाय, और आप अपने कमेंट्स करना ना भूलें, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तब तक के लिए बाय बाय।